बेटे को स्किजोफ्रेनिया है या भाई को या पति पत्नी को स्किजोफ्रेनिया है, ऐसा जब लोग पूछते हैं ना तो उनके मन में बहुत सारा भय रहता है, डर रहता है, चिंता रहती है, क्योंकि लोगों को यह मालूम है कि स्किजोफ्रेनिया एक बार डायग्नोज करते हैं कि स्किजोफ्रेनिया उसको है तो फिर कितना ठीक होगा, ये पूरा का पूरा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, लोगों को मालूम नहीं और डॉक्टर भी कोई बोल नहीं सकता है। अलग स्टडीज में अलग अलग पाए गए रिजल्ट्स 33-33-33 कि 33% लोग पूरे ठीक हो जाते हैं, 33% लोग दवाई के ऊपर ठीक रहते हैं और 33% लोग ठीक ही नहीं होते दवाई दिया तभी भी। कुछ लोग तो इसको मन का कैंसर बोलते हैं, आदमी मरता भी नहीं और अच्छा भी नहीं होता, ऐसा भी होता है कुछ लोगों में। इसमें बहुत ज़्यादा यदि सीरियस बीमारी है कि भाई आँखों के भ्रम है, कानों के भ्रम है, थॉट डिसऑर्डर मतलब डिल्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है तो अर्थात लोगों को प्रॉब्लम तो होता ही है, उसको घर में रखने भी प्रॉब्लम होता है। तो एक बार का स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो ट्रीटमेंट देना कठिन हो जाता है, तो क्या हम उसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो है। साइकेट्रिस्ट का स्टिग्मा है कि नहीं भाई मनोविकार तज्ञ के पास में लेके गए, क्या मेरा बेटा पागल हो गया, इसलिए हमारे पास में लोग लाते नहीं है, या बेटी पागल हो गई लाते नहीं है, एकदम ज़्यादा हो गया तो फिर लाते हैं और वही प्रॉब्लम है। आपने यदि जल्दी स्टेज में उसको ला लिया बहुत जल्दी तो ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब जल्दी क्या है, एक लड़का या लड़की हो उनके लिए जल्दी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मतलब अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अर्ली साइंस सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। एक तो है कि उसके सडनली दोस्त बदल गए, अलग फ्रेंडशिप में आ गया, एक ही हो सकता है। नंबर दो, अकेले रहना चालू किया, आजकल ज़्यादा अकेले रहता है, कमरे में बंद रखता है खुद को। नंबर तीन, कुछ कारण नहीं और मार्क्स कम आना चालू हुए, टीचर से कंप्लेंट किए बराबर पढ़ाई नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं करके आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है पढ़ाई में, उसकी नज़र इधर उधर रहती है, नींद डिस्टर्बेंस है, लेट नींद आना या जल्दी उठ जाना या डिस्टर्ब रहना, छोटी छोटी बात के ऊपर एकदम भड़क जाना, गुस्सा करना, ऐसा भी कभी होता है, या बिल्कुल ही इमोशंस ही नहीं है, उसको बोलते हैं फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग मतलब बिल्कुल इमोशन ही नहीं, भावना शून्य, और कभी कभी नासमझ वाली बातें करना, कभी कभी ऐसा इरेटिक बिहेवियर करना कि जो अपने को समझ में नहीं आता। तो ऐसे कुछ लक्षण है कि जो लक्षण यदि आप पकड़ लेते हैं और जल्दी साइकेट्रिस्ट की तरफ उसको लेकर आते हैं तो इलाज जल्दी हो गया तो डेफिनेटली आगे आने वाला स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसको रुका सकते हैं, वो थम सकता है, और वो जो डर है अपने को कि स्किज़ोफ्रेनिया मतलब बाप रे अभी क्या हो गया, तो वो होगा नहीं। तो अर्ली साइंस जो है एकदम बिल्कुल जल्द आने वाला लक्षण वो पकड़ो, डॉक्टर के पास में लेकर जाओ अपने बेटे को और उसका इलाज कर लो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो माँ बाप को शेयर करो जो डरते हैं और कुछ उनको मालूम है कि अपने बेटे में प्रॉब्लम है, बेटी में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर के पास में जाने के लिए कचराते हैं। थैंक यू वेरी मच।